हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में एक बार आपका फिर दोबारा स्वागत है। और आज हम बात करने वाले राकेश झुंझुनवाला से रिलेटेड कि राकेश झुंझुनवाला ने अभी दिसंबर क्वार्टर में ओके दो तीन कंपनीज़ है और स्पेशली टाटा की दो कंपनी ऐसी है जिनमें से अपना स्टॉक मतलब अपना स्टॉक इनका स्टेक होता है वो डिक्रीज़ कर दिया। उससे रिलेटिव बातें करेंगे, क्या हमें भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट आगे बढ़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि आपका जीरो डिलीवरी चार्जेस, फ्री में डीमेट अकाउंट, एज वेल एज वो सेबी रजिस्टर्ड नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है। बहुत अच्छा इनका एप्लीकेशन है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा कंपनी राकेश झुंझुनवाला ट्रिम्स स्टेक इन टू टाटा ग्रुप स्टॉक्स। तो राकेश झुंझुनवाला ने ना दो ऐसी कंपनीज है टाटा ग्रुप की जो कि काफ़ी अच्छी कंपनीज है ओके उनमें से अपने स्टेक को कम कर लिया है, एज वेल एज और भी दो तीन कंपनी है जिनमें से स्टेक कम कर लिया है। तो उससे रिलेटेड भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे, बट उन दो स्टॉक्स से रिलेटेड स्पेशली हमारा नज़रिया रहेगा। हम जानेंगे क्या है कंपनी को हमें भी निकालना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राकेश झुंझुनवाला हैज़ बुक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 290 करोड़, मतलब 290 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है ना उन्होंने अपने उन स्टॉक्स को सेल करके, मतलब टाटा ग्रुप की जो दो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को सेल करके बुक कर लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज पर दिसंबर शेयर होल्डिंग शेयर होल्ड डेटा रिलीज बाय टाइटन, तो राकेश झुंझुनवाला सोल्ड 18 लाख शेयर, मतलब राकेश झुंझुनवाला ने 18 लाख शेयर ना टाइटन में से कम कर दिया। टाइटन आपको पता ही है किसी कंपनी का टाइटन है टाटा की। नाउ होल्ड्स 3,75,10,395 शेयर्स और 4.23 स्टेक्स इन द कंपनी। मतलब अभी भी राकेश झुंझुनवाला इतने इतने करोड़ के शेयर्स अभी होल्ड करते हैं, लगभग 4.23% के स्टेक्स अभी टाइटन में होल्ड करते हैं। एज वेल एज उनकी वाइफ की अगर बात की जाए, वो अगर दोनों का मिला के स्टेक देखते हैं तो 5.52% शेयर्स है इन द टाइटन कंपनी एट द एंड ऑफ द सेप्टेम्बर क्वार्टर। सेप्टेम्बर क्वार्टर के एंड में इतना स्टेक्स था इन दोनों को मिला के, मतलब राकेश झुंझुनवाला और उनकी वाइफ के। तो एक तरीके से राकेश झुंझुनवाला ही कह देंगे, तो उनका यहाँ से कम करके उनका स्टेक्स 4.23 रह गया है। तो एक तो हो गई टाइटन कंपनी। एज वेल एज अगर बात की जाए, देखिए वाइल्ड राकेश राकेश ओन 4.43% स्टेक्स इन द जेम्स एंड ज्वेलर्स मेकर रेखा हेल्स 1.09% इन द कंपनी। बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ 18 लाख शेयर ऑफ द दैट ही सोल्ड अमाउंट ऑफ ₹268, मतलब 268 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स उन्होंने टाटा की टाइटन कंपनी से हटा दिए है, मतलब इतने सारे शेयर्स बेच दिया है 268 करोड़ रुपीस के। अगर उसकी दूसरी तरफ बात करें तो टाटा की एक और कंपनी है ओके, उसमें उन्होंने 7.275 लाख, मतलब 7,25,000 शेयर उन्होंने बेच दिए राकेश झुंझुनवाला ने। और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया ओके। कटिंग डाउन ही शेयर्स इन द कंपनी, मतलब उन्होंने जो पहले 7.64% स्टेक्स उनके पास थे जो बेच के अभी 7.26% स्टेक्स रह गए हैं। तो अभी भी उनके पास शेयर्स है, मतलब दस मतलब बट उन्होंने वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है कितना, 21 करोड़ रुपए का ओके। तो ये दो कंपनी है। अगर इसके अलावा देखिए तो ये दो कंपनी है, एक टाटा हो गई एज वेल एज एक कंपनी हो गई रैलिस। तो इन दोनों के बारे में हम बातें कर लेते हैं, क्या हमें भी बेचना चाहिए, क्या हमें भी बुक प्रॉफिट कर लेना चाहिए अगर किसी के पास शेयर है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटन का शेयर लगभग अभी मार्केट गिरी थी तो 0.77% शेयर गिरा था। टाइटन एक दिग्गज शेयर है और राकेश झुंझुनवाला ने ये शेयर 2 रुपये से आई थिंक होल्ड कर रखा है, जब ये प्राइस यहाँ पर हुआ करता था तो यहाँ पर से उन्होंने होल्ड कर रखा है और उन्होंने शेयर को कभी बेचा नहीं, उन्होंने होल्ड किया। और आज उनको इसलिए ही मतलब मल्टी बैगर ये स्टॉक उनके लिए साबित हुआ है और बहुत सारा पैसा इन्होंने लगभग बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने इसी कंपनी से कमाए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल पहले की अगर हम बात कर लेते हैं कोविड से पहले, तो ये लगभग 1,300 रुपये के आसपास ये शेयर चलता था, गिर के ये 800 रुपये के आसपास आया। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसने तब से लेके अब तक लगभग 100% तक के या ना 80-90% के रिटर्न्स आपको दिए है। तो ये काफ़ी दिग्गज कंपनी है ओके, और काफ़ी डेट फ्री कंपनी है। और इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाता है वही दिखा है। और कोई भी कंपनी ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे बढ़ेगी, ऐसा होता है कि घटती बढ़ती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, जिगजैग मोशन में
चलता रहता है, तो इसलिए कभी भी अच्छी कंपनी को नहीं बेचना। आपने देखा है टाइटन में राकेश झुनझुनवाला ने भी, देखिए स्टेक कम किया है, कुछ शेयर्स बेचे हैं, बट स्टिल ही इज़ लाइक हैविंग 4 पॉइंट समथिंग% स्टेक्स इन टाइटन कंपनी। तो कुछ लाख शेयर बेचे हैं, बाकी उनके शेयर पोर्टफोलियो में है। अगर बात की जाए टाइटन कंपनी के, हम अगर बात करते बैलेंस शीट की, तो देखिए एक तो डेट फ्री स्टॉक है, एज वेल एज रिजर्व्स की बात की जाए तो लगभग 6,736 करोड़ रुपए के तो उनके पास रिजर्व्स है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म देखिए बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के पास है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2,133 करोड़ रुपये के यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग है, सॉरी मैंने पहले डेट फ्री कह दिया था, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के पास है 2,133 करोड़ रुपये के। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट की, तो 74 करोड़ रुपये का करंट इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए कैश की, तो 356 करोड़ रुपए का कैश इनके पास है, जो कि घटते हुए हमें नजर आ रहा है प्रीवियस दो मतलब 2-3 साल से। बट ओवरऑल द कंपनी इज वेरी वेल, ओके, बहुत अच्छी है, तो आपको किसी भी तरीके का परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बात की जाए यहाँ डिविडेंड की, तो देखिए कंपनी ऑलवेज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई है, ओके, हर साल अच्छा खासा डिविडेंड देती आई है। एज वेल एज बोनस की बात की जाए, तो एक बार बोनस भी दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं 2011 में, ओके, A1:1 का बोनस दिया है। स्प्लिट की बात की जाए तो स्प्लिट भी हुआ है 2011 में, 10 का फेस वैल्यू 1 हो गया है, राइट इशू भी कंपनी लेके आया है। तो अब मतलब आपको कंपनी डिविडेंड देती आ रही है हर साल आपको कंपनी कुछ ना कुछ देती आ रही है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात की जाए तो रैलीज इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, ओके, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप का इसका पेरेंट कौन है, टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल काफ़ी बेहतरीन कंपनी है अगर इसकी बात की जाए। और ये कंपनी करती क्या है, तो ये एग्रोकेमिकल्स से रिलेटेड काम करती है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी केमिकल्स बनते हैं, और इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, बहुत पुरानी कंपनी है, तो देखिए छोटी कंपनी है, तो बढ़ते घटते बढ़ते आपको जिगजैग मोशन में दिखाई देगा, बढ़ेगा और गिरने में भी उसी तरीके से दिखाई देगा, बट स्टिल द कंपनी इज़ गोइंग अपवर्ड, ओके, ऊपर की तरफ ही जाती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ऐसी कंपनी में भी उन्होंने देखिए केवल कितना, आई थिंक 26-28 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट बुक किया है, ज़्यादा उन्होंने बुक नहीं किया है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ हमें, कोविड से पहले लगभग 232-244 रुपये पे एक कंपनी चलती थी, गिरा 153 तक आया, और ये शेयर ने अपने जो आई थिंक टाटा केमिकल्स है उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स देते हुआ ये कंपनी नज़र आई है अभी तक। ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं 95% के रिटर्न्स दे दिया, एज वेल एज अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है प्री कोविड लेवल पर। बट टाटा केमिकल्स की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स अभी भी लगभग 35-40% डाउन है अपने 52-week हाई से। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट भी है कंपनी का, रिजर्व्स लगभग 1390 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है, जो कि बढ़ते हुए मैनर में है। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी सी है 12 करोड़ रुपए की लगभग, और शॉर्ट टर्म बोरिंग लगभग 50 करोड़ रुपए की है। और अगर हम बात करें करंट इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 300 करोड़ रुपये का हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का दिख रहा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 48 करोड़ रुपये का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, छोटी है, बट स्टिल इट इज़ शोइंग गुड बैलेंस शीट। अगर हम बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 18 जैन को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। डिविडेंड देखिए हर साल डिविडेंड देती आई है कंपनी, एज वेल एज बोनस एक और दो बार इस कंपनी ने बोनस भी दिया है 1977 और 2010 में। स्प्लिट भी कंपनी ने दिया है 2011 में, राइट इशू भी कंपनी लेके आई है। तो ये कंपनी हर तरीके से आपको नज़र आ रही है, और सबसे मेन बात टाटा ग्रुप की कंपनी है, TTT कंपनी है, मतलब ट्रस्ट एंड टाटा ये दोनों। एज वेल एज अगर हम बात की जाए और हम नीचे पढ़ लेते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला ने और भी दो कंपनी में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए हैं, ओके। एक तो ये कंपनी है देखिए मेजर एस्कॉर्ट डूरिंग, यहाँ पर देख सकते हैं एस्कॉर्ट कंपनी है, उसमें उन्होंने 12 लाख शेयर सोल्ड कर दिए हैं। पहले उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न 5.64% था, जो कि घट के 4.75% रह गया है। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए टाटा कम्युनिकेशन की, तो फाइनेंशियल यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में उन्होंने अपने शेयर खरीद लिए हैं अभी, और लगभग कितने 1.12% स्टेक्स वो टाटा कम्युनिकेशन में रखते हैं। इसके अलावा एक फर्स्ट सोर्स कंपनी है, उसमें भी उन्होंने अपने शेयर वहाँ पर बेच दिए हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए ये दो कंपनीज थी जो मैंने आपको बताया, ये कंपनीज काफ़ी बेहतरीन है। रैलीज इंडिया भी काफ़ी बेहतरीन है, एज वेल एज अगर हम टाइटन की बात करें तो वो भी कंपनी बेहतरीन है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो से बेचने की ज़रूरत नहीं है, उनका
वो डिसीजन था, आपका डिसीजन खुद का है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और कोई भी बाई और सेलिंग से रिलेटेड मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही पोजिशन क्रिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ नेचर बजाज जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।